मोबाइल भी चालू हो गया, कोई इधर भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर अपडेट पर कुछ नहीं आता है। हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेगा Huawei UI9 18 का मोबाइल के बारे में। इसमें एक प्रॉब्लम आया था बैकअप का, तो मेरे पास आने का पहला ये 2-3 टेक्नीशियन के पास गया था, वो लोग सॉफ्टवेयर अपडेट करके देखा, फिर भी नहीं आता है। और इसमें बैकअप भी देखा, इमरजेंसी बैकअप राइटिंग आता है, फिर वो लोग बहुत ट्राई किया, उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैं आज आप लोग को देखेगा ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है। तो मैं इसके पहले एक शॉर्ट वीडियो दिया था, इसमें कमेंट आया था फुल वीडियो देने के लिए। तो इसमें ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है वो आप लोग का भी बताएगा। तो पहला इसके लिए मोबाइल का जो बैक पार्ट वो निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए आप लोग थोड़ा ध्यान से निकालने का, तो इसका बैक साइड में कनेक्टर भी रहता है, डिस्प्ले का कनेक्टर रहता है, बैटरी का कनेक्टर रहता है और फिंगरप्रिंट का कनेक्टर भी रहता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से निकालने का। देखते हैं इसका अंदर भी बहुत कनेक्टर है, एक एक कनेक्टर करके निकालेगा। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो में एक लाइक करने का और वीडियो भी शेयर करने का। क्यों ऐसा वाला प्रॉब्लम आपका फ्रेंड्स में आएगा तो वो लोग भी सीख सकता, और इसीलिए आप लोग ये वीडियो शेयर करने का और चैनल भी सब्सक्राइब कर रखने का। ऐसा वीडियो और भी आएगा आप लोग के पास मिल जाएगा ऐसा वीडियो। आप लोग देखते हैं इधर बैटरी कनेक्टर निकालने के लिए उसका नीचे स्टील का दो कवर था, तो मैं कवर निकाल के दे रहा है। स्टील का कवर निकालने के बाद कनेक्टर भी निकाल सकता, देखते हैं। मैं अभी एक स्टील कवर निकाल दिया, अभी कनेक्टर का कनेक्टर निकालते हैं, बैटरी का कनेक्टर, ये भी बैटरी का कनेक्टर ये निकालना है। बैटरी कनेक्टर निकालने के बाद ये जो बैटरी है ना, बैटरी का ऑफसेट में एक पीसीबी रहता है, बैटरी का पीसीबी इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर एक बैटरी का पीसीबी रहता है, ये बैटरी का पीसीबी निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए थोड़ा ध्यान से निकालने का, वो कनेक्टर भी थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो कट जाएगा। मैं अभी निकाल दिया, देखते हैं ये जो पीसीबी के अंदर इधर एक रेजिस्टर होता है, आप लोग देखते हैं ना, नहीं इधर एक छोटा वाला एक रेजिस्टर है, तो ये रेजिस्टर निकालना पड़ेगा। ये रेजिस्टर निकालने का तो उम्मीद करते हुए बराबर हो जाएगा, तो आप लोग को निकाल के दिखाएगा कैसा करने का। तो देखते हैं अभी इधर निकाल दिया, ठीक है, ये रजिस्टर है, मैं अभी निकल कर आप लोग को दिखाता है, ठीक है, ये रजिस्टर, ठीक है, निकल दिया। ये इधर से निकाला, ये बैटरी कनेक्टर इधर देखते हैं, 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट से निकाला, ठीक है। आप लोग बैटरी निकालेगा तो बैटरी कनेक्टर का पीसी के अंदर ऐसा देख सकता, ये तो ऐसा एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्टर निकालेगा, बाद में मैं बताता हूँ क्या करने का। तो देखने के लिए फुल वीडियो देखना पड़ेगा, उम्मीद करता हूँ फुल वीडियो देखेगा तो आप लोग सीख सकता, ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्व करने का। और ऐसा प्रॉब्लम में आप लोग कोई भी आदमी बोलता है सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा तो फिर भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट करके फायदा नहीं है। इधर से निकाला, ठीक है, अभी इसमें क्या करने का, जो रजिस्टर था इसका में शॉर्ट कर देने का, एक छोटे सा वायर से ये शॉर्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं आप लोग को शॉर्ट करके दिखाता हूँ, देखता हूँ इधर ये शॉर्ट कर दिया, देखा रजिस्टर जिधर था उधर शॉर्ट कर दिया, रजिस्टर का दो मुंडी में शॉर्ट करके अभी पूरा पीसीबी बराबर करके सही करेगा तो हो जाएगा।
ठीक है, आप उसको थोड़ा जूम करके देखा है, ऐसा शॉर्ट करने का है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो में एक लाइक करने का और वीडियो भी शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब कर रखने का। अभी जो कनेक्टर भी निकाला और स्क्रू निकाला वो जिधर से निकाला उधर फिटिंग करने का, जिधर जिधर था उधर फिटिंग करने का, थोड़ा ध्यान से फिटिंग करने का। फिटिंग करने का टाइम इधर उधर हो जाएगा तो मुश्किल आएगा, थोड़ा ध्यान से फिटिंग करने का। मैं अभी आप लोग को फिटिंग करके बाद में दिखाता हूँ, ठीक है। मैं एक एक स्क्रू करके फिटिंग कर रहा है, देखते हैं, थोड़ा ध्यान से करने का, ठीक है। ऐसा काम थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो बाद में मुश्किल आएगा, इसीलिए थोड़ा ध्यान से करने का। और जिधर से निकाला उधर ही फिर जॉइन करना पड़ेगा या कनेक्शन करना पड़ेगा। अभी मैं एक एक करके फिटिंग कर रहा है, तो आप लोग को फिटिंग करके बाद में देखा है ऑन करके कैसा होता है। और जो आदमी इलेक्ट्रिक का काम सीखने के लिए चाहता हो वो लोग मेरा चैनल में थोड़ा देख सकता है, विजिट करने का। विजिट कर मेरा चैनल में बहुत इलेक्ट्रिक काम सीखने का वीडियो है, आप लोग उधर से देखेगा तो इलेक्ट्रिक काम सीख सकता, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी सीख सकता, मोबाइल रिपेयरिंग, फ्रिज रिपेयरिंग, और जो हम लोग का घर में वायरिंग इलेक्ट्रिक का वायरिंग करते हैं ऐसा भी वायरिंग करते हैं वो लोग, वो ऐसा वाला वीडियो मेरा चैनल में बहुत है, आप लोग उधर देखेगा तो सीख सकता। तो देखते हैं, अभी मेरा जो मोबाइल था वो फुल कंप्लीट फिटिंग हो गया, तो अभी फिटिंग करने के बाद अभी पावर ऑन करके आप लोग को देखाता है कैसा था। पावर ऑन करने के बाद अभी हुआ हुए लोगो राइटिंग आया, मोबाइल भी चालू हो गया। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोग फुल वीडियो देखेगा तो आप लोग का मोबाइल का ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता। देखते हैं फ्रेंड, मोबाइल भी चालू हो गया, किधर भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर अपडेट बैक उस नहीं आता है, उस टाइम बैकअप, इमरजेंसी बैकअप राइटिंग आता है, अभी राइटिंग नहीं है।